में सीबीएसई टॉप पर लड़की जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित है उसके साथ गैंग रेप की घटना घटित हुई है और पुलिस के ढुलमुल रवैये के कारण ठीक समय पर केस दर्ज नहीं हुआ, केस दर्ज न होने के कारण अपराधी खुले घूमते रहे हैं और उसके परिवार को धमकियां देते रहे। जो प्रशासन ने कोताही बरती है, जो कि रामानी ने इतनी बर्खास्त किया जाएगा। प्रशासन मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कितने हैं इस केस में? तीन तो है जी, तीनों का तो नाम लड़की नहीं पहचानी और 7-8 बच्चे हैं, हमने दोनों को लड़की नहीं पहचाना। इसका नाम है मनीष, दूसरा का पंकज, तीसरा का निशु। ये तीन लड़के जो हैं जो इस गैंग रेप में जिनका नाम आ रहा है, इसके अलावा भी इसके अंदर और भी शामिल हैं। लड़कियों के साथ यौन हिंसा करने वाले, उनके साथ गैंग रेप करने वाले बाकायदा जो हैं वो गिरोह के गिरोह जो हैं वो संगठित हो चुके हैं। जिन जगहों पे ये रेप किया गया है वो जगहें अपने आप में बताती हैं कि ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड जगहें हैं लड़कियों और महिलाओं की इज्जत लूटने के लिए। हमारे पास दाखिल है, अभी उसकी हालत स्टेबल है, तो शी इज इन शॉक, बट हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, काउंसलिंग चल रही है परिवार वालों की भी और बच्चे से भी हम लगातार बात कर रहे हैं।